और दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के अंदर युवती से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 33 दिनों तक कड़ी मेहनत कर 164 मेट्रो स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के अंदर एक युवती से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को सफलता तकरीबन 33 दिनों की कड़ी मेहनत और 164 मेट्रो स्टेशनों और की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जोरबाग मेट्रो स्टेशन के अंदर 2 जून को एक युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स का नाम मानव अग्रवाल बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जोरबाग मेट्रो स्टेशन के अंदर 2 जून के दिन आरोपी शख्स ने युवती के साथ यहां पर अश्लील हरकत की थी। हमारे साथ डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मंत्री हैं, इनसे बात करेंगे कि पूरा जो सेक्सुअल मामला था उस पर क्या था, यानी दिल्ली मेट्रो के अंदर जो है एक अश्लील हरकत की गई थी जिसपे ट्विटर पे लेडीज ने कंप्लेन की थी। सर क्या मामला था पूरा ये? जी जी जी, क्या मामला था पूरा? 2 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था दोपहर में, और इस महिला ने रात में 11 बजे ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उसके बाद हमने अपने SHO को भेज करके उसका महिला का बयान लिया। बयान लेकर हमने इसकी तफ्तीश शुरू की, और उसी बीच में मीडिया में 3 तारीख को ये इतना हाईलाइट हुआ अखबारों में छपा कि उसको लग रहा है कहीं से संज्ञान हो गया, और वो 4 तारीख को यहाँ से नेपाल गई। हमारी टीमें लगातार लगी रहीं, सर्विलेंस लगातार हम लोग करते रहे, 10 से अधिक इंस्पेक्टर अपनी टीम लेकर लगे हुए थे, और इसी के तहत आज जो है साकेत एरिया से हमने उसे गिरफ्तार किया है। हमारी एक टीम जो है SHO राजीव चौकी नेतृत्व लगी हुई थी, उसने उसे गिरफ्तार। महिला ने क्या जो ट्वीट किया था उससे पहले जो है क्या कोई कंप्लेन दायर करवाया था मेट्रो स्टेशन पे? नियर जी नहीं, मेट्रो के थाने में कोई कंप्लेन नहीं आई थी, ना मेट्रो की स्टाफ से वो मिली थी, जैसा कि बाद में पता चला कि CISR के जवान से उन्होंने बात की थी, और उन्होंने फिर कहीं और गाइड किया था, वहाँ गई थी, लेकिन थाने में उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं। जिस तरीके से आपने सुना DCP मेट्रो जितेंद्र रसमानी जी का, यानी कहने का मतलब है कि महिला के साथ जो छेड़छाड़ हुआ मेट्रो में, उन्होंने कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया था। हालांकि ट्विटर के माध्यम से उसने एक ट्वीट किया था जिसपे दिल्ली पुलिस मेट्रो DCP जितेंद्र मणि जी ने मामले को संज्ञान में लिया और इसे धर दबोचने में कामयाब है। हालांकि जब आरोपी को जब ये बात पता चला तो वो नेपाल भाग चुका था, और नेपाल भागने के जरिए जैसे ही दिल्ली आया तो उसे दिल्ली पुलिस ने उसे आज साकेत मेट्रो स्टेशन से उसे धर दबोचा। क्षमा प्रसन्ना के चौधरी साहब ने प्रिंजल पाल के जुड़िया।